हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ए जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज हम हैं दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली में। सामने अगर आप देखें तो करोल बाग का मेट्रो स्टेशन है। अब इसे दृष्टि IAS करोल बाग मेट्रो स्टेशन भी कहते हैं। दृष्टि जो है वो IAS की प्रिपरेशन कराते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप है DMRC की। यहाँ पर पब्लिसिटी उनके थ्रू ही होती है। और अगर आप देखें तो इस जगह पे काफ़ी सारे ऐसे स्टडी के पॉइंट्स खुल चुके हैं। दृष्टि IAS की ये बिल्डिंग है। यहाँ पर दो दृष्टि IAS की बिल्डिंग्स हैं, लेफ्ट में आप देख सकते हैं। इसके आगे विजन IAS भी है और नेक्स्ट IAS भी है। ऐसे ही राइट में भी आप देखें तो बायोजूज और काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं स्टडी के, वो आ चुके हैं यहाँ पर। राजेंद्र नगर और करोल बाग एक तरीके से फेमस हो चुके हैं, एक अल्टरनेटिव हो गया है मुखर्जी नगर का। यहाँ पर लेफ्ट में आप देखें तो हल्दीराम है करोल बाग का। आज हम यहाँ से जाने वाले हैं कनॉट प्लेस की तरफ, जो कि एक रास्ता है अराउंड 3-4 किलोमीटर्स का। यहाँ लेफ्ट में आकाश इंस्टीट्यूट की भी बिल्डिंग बन रही है। अभी ये मेरे ख्याल से ऑपरेशनल नहीं है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बनने वाला है। और राइट में अगर आप देखें तो हनुमान जी की आपको मूर्ति नज़र आ रही होगी। वो फेमस मूर्ति है हनुमान जी की, जो आपको हर एक फिल्म में नज़र आएगी। दिल्ली में जब भी कुछ शूट होता है तो ये जो मूर्ति है ये हमेशा दिखाई जाती है। यहाँ नीचे मंदिर भी है। ये जो मंदिर है और ये जो मूर्ति है एक तरीके से पहचान है, दिल्ली की आइकॉनिक एक जगह है। और यहाँ से आगे आने पर हम पहुँच जाते हैं झंडेवालान मेट्रो स्टेशन पर। यहाँ लेफ्ट में अगर आपको देखें एक छोटी सी मार्केट है, जहाँ पर हेलमेट्स की बहुत बढ़िया मार्केट है। यहाँ से हेलमेट्स खरीदे जाते हैं। झंडेवालान जो मेट्रो स्टेशन है, इसके लेफ्ट में यहाँ पर झंडेवालान मंदिर है, जो कि काफ़ी फेमस एक मंदिर है दिल्ली में। और ये जो जगह, ये है RK आश्रम। यहाँ से जो लेफ्ट में रोड जाती है वो चढ़ी जाती है पहाड़गंज की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह होने वाली है, क्योंकि ये जो आपको मशीन दिख रही है, यहाँ पर इंटरसेक्शन बनने वाला है। जो मैजेंटा लाइन है जनकपुरी से जो आती है, वो आगे एक्सटेंड होगी और यहाँ तक आएगी। ये नया जो फेज 4 का दिल्ली मेट्रो का जो एक फेस है, उसमें ये कम्प्लीट हो जाएगी। ये जो रोड है इसे पंचकुया रोड कहा जाता है और यहाँ पे दिल्ली की फर्नीचर की सबसे फेमस मार्केट हुआ करती थी पंचकुया रोड फर्नीचर मार्केट, जो कि अब यहाँ से शिफ्ट हो गई है और कनॉट प्लेस में आ गया। उनका पूरी एक बिल्डिंग बन गई है। यहाँ से लेफ्ट में अगर आप चले जाएंगे तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी यहीं पास में पड़ता है। पहाड़गंज भी लेफ्ट में आता है। राइट में यहाँ पर गोल मार्केट आ जाता है और सीधा हम जाएंगे तो कनॉट प्लेस पहुँच जाएंगे। यहाँ से लेफ्ट में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए रास्ता है और ये राइट में अगर आप देखें तो ये मेट्रो का जो ट्रैक है वो अब अंडरग्राउंड हो रहा है। यहाँ से पहले एलिवेटेड था करोल बाग से यहाँ तक, और जैसे ही हम राजीव चौक कनॉट प्लेस पहुँचने वाले हैं तो ये अंडरग्राउंड हो गया। यहाँ से हम ऑलमोस्ट कनॉट प्लेस पहुँचने वाले हैं। सामने आपको बिल्डिंग्स भी नज़र आने लगी होगी। सामने जो ब्राउन कलर की बिल्डिंग है वो स्टेट्समैन हाउस है 12 खंबा रोड पर। और यहाँ से लेफ्ट मुड़ते ही हम कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में आ जाते हैं। सामने जो आपको वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है, ये है आइकॉनिक कनॉट प्लेस ऑफ दिल्ली। सबसे पॉपुलर मार्केट्स में शुमार है ये दिल्ली की और इंडिया की भी। कनॉट प्लेस को 1931 में बनाया गया था। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, रोमन स्ट्रक्चर में, ब्रिटिश टाइम में बनाया गया था। ये भी एक शॉपिंग सेंटर था उस वक्त। और यहाँ पर दो सर्कल बनाए गए हैं, एक तो ये जिस पे हम जा रहे हैं आउटर सर्कल है, और एक अंदर की तरफ इनर सर्कल है, जो कि सेंट्रल पार्क के पास से जाता है, वहाँ भी जाएंगे। और यहाँ लेफ्ट में भी आप देखें तो एक छोटी सी और मार्केट है, इसको म्यूनसिपल मार्केट कहा जाता है। यहाँ पे भी काफ़ी सारी दुकानें और रेस्टोरेंट्स भी हैं। यहाँ का भी रीडेवलपमेंट हुआ था 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पर। आप राइट में देखें तो पार्किंग का काफ़ी सारा स्पेस बनाया गया है। यहाँ से एक रास्ता लेफ्ट में चला जाता है, जो कि मिंटो रोड की तरफ चला जाता है। यहाँ से आप पुरानी दिल्ली की तरफ भी जा सकते हैं। ये राइट में यहाँ पर मस्जिद है। लेफ्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारे ईटिंग के पॉइंट्स हैं। काके का ढाबा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पर, भापे का ढाबा, और काफ़ी सारे ऐसे आउटलेट्स हैं। राइट में भी यहाँ पे खाने के आपको बहुत सारे आउटलेट्स मिल जाएंगे। और आगे यहाँ से शंकर मार्केट भी है।
अभी हम आउटर रिंग रोड पर ही हैं और सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है वो गोपाल दास बिल्डिंग है, उसके आगे स्टेट्समैन की बिल्डिंग है, काफ़ी आइकॉनिक बिल्डिंग है वो भी। यहाँ से एक रोड लेफ्ट चली जाती है जो कि मंडी हाउस और आईटीओ की तरफ चली जाती है। राइट में सारा का सारा, हमने जितना भी ये सर्कल किया है राइट में सारा का सारा ये कनॉट प्लेस है, आउटर सर्कल है। और सामने जो आपको एक रेड कलर की और ग्लास की बिल्डिंग दिख रही है वो है LIC बिल्डिंग, कनॉट प्लेस की आइकॉनिक बिल्डिंग है, 1986 में यहाँ पे बनाई गई थी। इस बिल्डिंग के जस्ट पीछे ही जनपथ, जो दिल्ली का बहुत ही फेमस बाजार है वो है जनपथ मार्केट जिसे कहते हैं। हम यहाँ से राइट की तरफ जाएंगे, अब हम इनर सर्कल की तरफ जाने वाले हैं। यहाँ पर है पालिका बाजार और सेंट्रल पार्क भी यहीं पर है। और यहाँ पर जैसे हम सीधा टक्कर पर जाएंगे तो राजीव चौक का जो मेट्रो स्टेशन है वो भी आ जाता है। यहाँ सामने जो ये ग्रीन आपको दिख रहा है, इसके पीछे पूरा पार्क है जिसे सेंट्रल पार्क कहते हैं। अंडरग्राउंड में यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है राजीव चौक का। लेफ्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर गेट है, मेट्रो के लिए ये ऑटोज यहाँ पर लगे हुए हैं। ये जो रोड है जिस पर हम चल रहे हैं इसको इनर सर्कल कहा जाता है, पहले जिस पर हम थे वो आउटर सर्कल था। इनर सर्कल में ए टू लेकर एफ तक जो राइट में आप देख रहे हैं ये सारे ए टू एफ ब्लॉक्स हैं। एंड अगर आप देखें तो यहाँ पे जो कार पार्किंग है वो भी यहाँ पर है और मेट्रो के भी स्टेशंस जो है, अगर आप देखें लेफ्ट में तो मेट्रो के जो एग्जिट और एंट्रीज है वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट बनाया गया है यहाँ पर एग्जिट और एंट्री, पार्किंग को भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखा गया है। कनॉट प्लेस दिल्ली की, इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर मार्केट्स में है और सबसे ज़्यादा कॉस्टली मार्केट भी है ये। खान मार्केट, साउथ एक्स मार्केट और कनॉट प्लेस मार्केट कॉस्टलीस्ट मार्केट है दिल्ली के अंदर पर्टिकुलरली। इस जगह का कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पर काफ़ी अच्छा एक रीडेवलपमेंट हुआ था, जो ये बिल्डिंग्स हैं इनका जो पुराना जो स्ट्रक्चर था उसको रिपेयर किया गया था, रिनोवेट किया गया था। और ये जो सारा का सारा डिज़ाइन है, सेंट्रल पार्क हो गया, ये जो पार्किंग की जगह है लेफ्ट में कंक्रीट के साथ, और जो ये बिल्डिंग थी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई थी, इसको रिनोवेट किया गया, बहुत अच्छे तरीके से इसको कलरिंग किया गया, ऐसे स्टेटस पर आई है कि दिल्ली की सबसे पॉपुलर मार्केट बन गई है। नीचे से यहाँ पर अंडरग्राउंड मेट्रो चलती है, इंटरसेक्शन है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा क्राउडेड एक तरीके से आप कह सकते हैं इंटरसेक्शन है दिल्ली मेट्रो का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।